दिया। सांची ने आज तक ये चीज नहीं देखी। ओ शिट शिट भाई कितनी डरावनी आवाज आ रही है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही होना चाहिए गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं अपनी Z900 को मॉडिफाई करवाने वाला हूं, बम्बल बी में मतलब येलो रैप करवाने वाला हूं। तो आखिर फाइनली वो दिन आ चुका है, आज हम अपने देने वाले हैं Z900 को मॉडिफाई होने के लिए। सो गाइस, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज मेरे को गाइस एक मेले में भी जाना है, उसके बारे में आपको मैं आगे चल के बताता हूं। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूं अपनी Z900 को लेकर कुंदन भाई के पास, तो चलो आपको सीधा उन्हीं की शॉप में मिलते हैं। बाहर हो रखी है काफी ज्यादा ठंड, तो गाइस मैंने जैकेट लगा ली। And guys, check करो भाई के new shoes। आपको पता है ये shoes कितने के हैं? 80,000 के shoes हैं, 80,000 के। तो guys मजाक कर रहा था, तो guys अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं सीधा, आपको मिलते हैं कुंदन भैया की शॉप पे। So guys, finally मैंने अपनी बाइक लगा दी है बिकी भैया की शॉप पे, तो अब लगभग 4 दिन लगने वाले हैं। 4 दिन तक हमारी बाइक पूरी बम्बलबी में रेडी हो जाएगी, तो अब आपको 4 दिन के बाद ही देखने को मिलेगी हमारी बम्बलबी। तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, मिलता हूँ आपसे आगे। अभी मैं जा रहा हूँ सांची को लेने के लिए, क्योंकि सांची को लेके मैं जाने वाला हूँ आज मेले पे। वो बातें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, मतलब सांची को पहले लेके आते हैं, उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेले का क्या सीन है हमारे जम्मू में। तो फटाफट सांची के पास चलते हैं, सांची को पिक करता हूँ। गाइस फाइनली मैं सांची को लेके आ चुका हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं भाई फ्लाईओवर से, ये अलग रूट है जहाँ पे आज हम जा रहे हैं। तो अभी ऋषभ गया हुआ है आगे, तो ऋषभ को फटाफट पकड़ते हैं और यहाँ पे रोक के आपको मैं मिलवाता हूँ सांची से, और आपको बताता हूँ भाई क्या सीन होने वाला है आज। विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, एक तो आज से चल रहे विदाउट हेलमेट है। अभी ऋषभ को तो थोड़ी सी टक्कर मारते हैं, क्या बोलते हो? गिरे, क्या कर रहा है तू, पागल हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये रही सांची। सांची को पहले एक बात बताते हैं। सांची तेरे को पता है मैंने अपनी Z900 को दे दिया है रैप होने के लिए। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि कब आप दोगे अपनी बाइक रैप होने के लिए। सांची वैसे तूने आज हाय नहीं बोला। आप बोलने दे रहे हो, चुप ही नहीं कर रहे हो। हाय गाइस, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए गाइस। सो गाइस, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या। तो गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देख रहे हो ये क्या बना हुआ है? तू क्या बदमाश है? लगाना एक बार, लगाना ग्लासी लगाना। हमें छापरी टिकटॉक पे रील बनाते ना, पूरा वो लग रहा है ये छपरी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसे तो वो बर्ड फेयर बन जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, उस जगह का नाम है भाई चीड़ी, तो इसलिए वहाँ पे मेला लगता है, तो सभी लोग बोलते हैं चीड़ी का मेला। ये लगता है हमारे जम्मू में साल में एक ही बार, तो लगभग शायद एक वीक तक लगता होगा ये। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ पे जाएं, आप लोगों को भी दिखा देंगे कि हमारे जम्मू में जो मेला लगता है वो कैसा होता है। तो ये अचानक से प्लान बना था, तो क्योंकि अपनी Z900 तो रैप होने के लिए दे दी थी, तो अब मन कर रहा था कि घूमने जाने का, तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी शूट कर लेते हैं और सांची को लेके भी चलते हैं, तो ऋषभ भी जा रहा है अपने साथ। वैसे भी आज मेले का 3रा दिन है, तो आज काफी भीड़ भाड़ होने वाली है। ये क्या चक्कर है? वाओ गाइस, हॉर्न सुन रहे हो? ये वाला हॉर्न लगा दे अपने ट्यूब पे। सो गाइस अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, तो लड़कियों की तरह क्यों बैठा? सो गाइस अभी वो ये क्या कर रही है? क्या हो गया तेरे को? सो गाइस अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। आज के व्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उस मेले में ना बहुत बड़े बड़े झूले लगते हैं, और मेरी तो वैसे भाई बहुत फटती है झूले से, बट सांची नहीं डरती है, देख रहे हो? अच्छा। तू डरती है? सो गाइस अभी मैं ट्यूब चला रही हूँ, मानिक ने पता नहीं कैसे दे दी, बट यार बहुत मजा आता है चलाने का, तो मैं ले भी लेती हूँ, और मानिक मना भी नहीं करता, क्योंकि मानिक को पता है मैं बहुत जिद करती हूँ ड्यूब चलाने के लिए। तो अभी फटाफट चलते हैं आगे जाके मानिक को लेते हैं भाई। गियर डाल ले, गियर। ओके हेलो, तो गाइस काफ़ी टाइम बाद चला रही हूँ मैं ड्यूब, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और अब तो यार Z900 का वेट है, Z900 रैप होने गई है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कब रैप होके आएगी हमारी बम्बलबी? अब ना तू पीछे बैठ जा। तो गाइस अभी इसने बाइक बहुत तेज चलाई, मेरे को लगता है 70 के ऊपर चली गई थी तू, ठीक है? तो अब पीछे बैठ, क्योंकि यहाँ से दूर है ना लगभग, गाइस मेरे को लगता है 15 किलोमीटर होगा जहाँ पे हमने जाना है, तो ये वैसे भी रूट भी नया ही है। 1 घंटा लग गया मुझे लगता है यहाँ पे पहुँचते, क्योंकि काफ़ी दूर है, देख सकते हो भाई यहाँ से जाने का रास्ता है अंदर। अभी चलते हैं अंदर, अंदर जाके मिलते हैं आपको, अंदर का दिखाते हैं क्या सीन है। इसलिए हम अंदर आ चुके हैं, ये रही सांची, और भाई देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, अभी आगे और भी बड़े बड़े हैं, देख सकते हो। बड़े हैं गाइस। आई नो गाइस, यहाँ पे आपको काफी शोर लग रहा होगा, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सांची आ जाते को आया बुझे, मैं जुटा देता हूँ, फिट भी नहीं होंगी इतना सा है। तो अब सांची बोल रहे हैं गाइस, ये देख रहे हो बोर्ड, तो अब ये वाला हम झूला लेने वाले हैं। सांची के बिना हम जाएंगे नहीं, ये तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि झूले देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं भाई इधर। ओ भाई साहब, फाइनली आप देख सकते हो सांची भी यहाँ बैठ चुकी है, ऋषभ भी बैठ चुका, पता नहीं अब क्या रिएक्शन रहता है। सीरियसली बताऊँ, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं आज तक ना इस झूले में नहीं बैठा हूँ, तो भाई ये तो भाई ऐसे चलता है बोर्ड की तरह ऊपर, तो अब देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। तो गेम बचाना पड़ेगा गाइस, देख रहे हो भाई बहुत ज्यादा तेज चल रहा है ये,
मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है। पेट में गुदगुदी हो रही है गाइस सच्ची। ओ गुदगुदी हो रही है, ध्यान रख ले आगे। ओए 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 गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है गाइस, बहुत डर लग रहा है। कैसी लगी आगे स्वाद? फोन छूट जाएगा मेरे से, फोन छूट जाएगा। तो गाइस सीरियसली बताऊं, अभी एक घंटा हो गया पूरा, और ना मैं सही में बताऊं मेरे को बहुत डर लग रहा था। अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इन लोगों को बोला था कि मैं नहीं ले पाऊंगा। मेरे को पता है मेरी क्या हालत हुई थी गाइस। अभी देख सकते हो भाई, हम ना कुछ यहाँ पे आए हैं, ऐसी लोकेशन पे आए हैं, तो भाई बहुत बड़े बड़े झूले हैं। झूले तो हम नहीं लेने वाले, अब कुछ और देखते हैं कि क्या हमें अलग दिखता है। जी ये लेने वाली है, इसको बोलते हैं क्या? ये ले, ये खा। पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। ओहो ऋषभ तेरे को बुला रहे हैं। फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं मौत का कुआं। तो यहाँ पे बाइक्स वगैरह चलेंगे और गाड़ी चलेगी। बस आपको ये लास्ट चीज मैं दिखाने वाला हूँ, उससे पहले यहाँ पे लोगों के रिएक्शन देखो, वो देख रहे हो? ओह भाई साहब सांची, अब मैं दोबारा तो नहीं लूंगा कभी भी। मैं भी नहीं लूंगी भाई, बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। भाई साहब अब गाइस गाड़ी भी आ रही है। खतरनाक भाई, खतरनाक, मजा आ गया। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? ओ भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, तो देखो। ये बंदा ना बहुत ज्यादा तेज चल रहा था। सांची कैसा लगा? बहुत अच्छा यार, बहुत तेज चल रहा था। सांची ने आज तक ये चीज नहीं देखी है, आप में से काफी लोगों ने देखी होगी। गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं भाई हॉन्टेड हाउस, देख सकते हो। तो अब देखते हैं भाई क्या रिएक्शन रहता है, अंदर जाके पता चलेगा। चले सांची चले, तो गाइस चलो चलते हैं अंदर। गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, और भाई बहुत ओए शिट, ये क्या, ये क्या भाई, बहुत डरा डर लग रहा है। ऋषभ आगे चल, ऋषभ आगे चल, ओए शिट शिट भाई, ये कैसी जगह सांची, डर लग रहा है मेरे को, डर लग रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ। ओ भाई वो शिट, ये क्या चीज है भाई, गाइस देख रहे हो? तो गाइस ये यहाँ का हॉन्टेड हाउस। ये सांची, ये तेरा दोस्त यहाँ पे तेरा इंतजार करते करते मर गया, देख रहे हो? सांची साथ में खड़े हो ना। ये क्या कर रही है? तो गाइस अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं, और ये क्या, और ये क्या, ओ शिट भाई कितनी डरावनी आवाज आ रही है। तो भाई बड़ी ड्रामनी साउंड आ रही है। सांची यहाँ से निकलो बाहर भाई, मेरे को डर लग रहा है, यहाँ से बाहर निकलो साहब। भाई बहुत ड्रामना है ये, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से निकलते हैं भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है। सो गाइस बहुत मजा आया, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो अभी अंधेरा भी होने वाला है और हमें घर भी जाना है, तो yes, चलते हैं यहाँ से। मेरी तो भाई आज मैं पहली बार लाइफ में इतना ज्यादा डरा हूँ ना, क्योंकि मैं भाई कभी झूले में बैठा ही नहीं हूँ, और मेरी बुरी हालत हो गई थी। तो गाइस अभी अंधेरा हो गया, अब सांची को ऐसे घर पे भी छोड़ना है, तो चलो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। फाइनली मैंने सांची को घर छोड़ दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल ने तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।